गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुन पा रहे हो? यस यस सर। सर। आज हम लोग इसमें जो है इंट्रोपी में, इन्हें मतलब पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोपी कैलकुलेशन में अलग आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल एडियाबेटिक और दो प्रोसेस के बारे में हम लोग देखें है। आज हम लोग थोड़ा तो सा डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब कोई भी जनरल कोई प्रोसेस होगा तो उस कंडीशन में हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन के लिए जनरल फार्मूला को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, उसको समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस का हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, इस आइसोबारिक प्रोसेस में जैसा कि हम लोग देखे थे कि देख पा रहे हो ना, यस पीवी प्लॉट में हम लोग इस चीज को पीवी प्लॉट पर हम लोग इस प्रोसेस को देख चुके हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा। दो प्रोसेस हैं, दो ये मतलब लेट अस दिस प्रोसेस वन टू, लेट अस प्रोसेस दिस प्रोसेस थ्री फोर, है ना? इज इट क्लियर? तो प्रोसेस वन में क्या हो रहा है, प्रोसेस वन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोसेस टू में क्या हो रहा है, यहाँ से हीट क्या हो रहा है, यहाँ से रिजेक्शन। देख चुका, ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग पीवी प्लॉट पर हम लोग देख चुके हैं। अब इसी को हम लोग टीएस प्लॉट पे देखें, टीएस प्लॉट पे देखें तो हमारा ये एजम्पशन है कि जब हीट ऐड कर रहे हैं, जब हीट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ऐड कर रहे हैं चूंकि क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट, तो क्या हो गया, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। यदि हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रोसेस वन टू क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज वी वन, दिस इज वी टू, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस वन टू टू को हम लोग आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस बोल रहे हैं। अब एक चीज़ और समझ लो कि अब हीट को एंट्रोपी से कैसे लिंक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट ऐड करेंगे तो इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सुन पा रहे हो? यस हाँ, तो हीट ऐड करेंगे तो इंट्रोपी इंक्रीज होगा। इसका स्लोप, इसका कर्व कुछ ऐसा होता है, इस तरह का होता है। तो कहने मतलब दिस इज प्रोसेस, लेट अस सपोज दिस वन टू, क्योंकि यहाँ वन टू हम दिखा रहे हैं, इसको हम वन टू लेकर चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना कि जब हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट ऐड करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर तो कहने का मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस तुम देख लो, यहाँ पे प्रोसेस वन टू टू में जो इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंट्रॉपी भी इंक्रीज कर रहा है, इंट्रॉपी भी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं। दिस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। वॉट इज दिस वन, दिस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। इसका कर्व का नेचर ऐसा होता है।
अब यदि इसको हम लोग देख लें, इस पे हीट रिजेक्शन की बात करें तो हीट रिजेक्शन में क्या होगा पीएस प्लॉट पे, तो कर्व का नेचर तो सेम ही है, कर्व का नेचर तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज प्रोसेस थ्री एंड फोर, यहाँ पे हम लोग दिखाई, यहाँ पे हम लोग थ्री फोर दिखा रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चूंकि हीट यहाँ पे यहाँ हीट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा हीट रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी भी ड्रॉप करेगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो कहने मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो नहीं? यस यस। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम आइसोबारिक प्रोसेस को यदि हम कंबाइंड कर लें, यदि हम आइसोबारिक प्रोसेस को यदि हम यहाँ पे कंबाइंड कर लें, मीन्स आइसोबारिक हीट एडिशन की बात कर लें, यदि हम लोग आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस को यदि हम कंबाइंड कर लें तो क्या होगा, टीएस प्लॉट में दो तरह का यहाँ पे स्लोप है, दो तरह का यहाँ पे है, तो एक में क्या हो रहा है अपवर्ड जा रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है डाउनवर्ड जा रहा है। लेट अस सपोज दिस प्रोसेस वन टू, और ये प्रोसेस क्या है, लेट अस सपोज दिस इज प्रोसेस थ्री टू फोर, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम लोग हीट हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट यहाँ पे क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है। अब पूरे प्रोसेस में क्या है, इस पूरे प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में प्रेशर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो ना? यस यस। यदि हम लोग अब वो क्या है ना, अब तुम सबको लिंक कर सकते हो, अब तुम अच्छे से तुम चीज़ों को इंटरलेट कर सकते हो एक दूसरे को, क्योंकि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ कंप्लीट है, दैट मीन्स कि अब तुम इंट्रॉपी में दोनों का मिक्स है, फर्स्ट लॉ सेकेंड दोनों का मिक्सर है इंट्रॉपी। यदि हम लोग यहाँ पे पीवी प्लॉट की बात करें तो ये जो क्या होगा, इस तरह से हम लोग देख रहे थे, है ना, ये प्रोसेस वन टू था और ये प्रोसेस यहाँ पे थ्री फोर है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग हीट या अब जो है रिजेक्ट। अब देखो चीज़ें इंटरेस्टिंग होता चला, क्योंकि अब तुम चीज़ों को तुम बेसिक, देखो क्या होता है ना, जब तुम फंडामेंटल को तुम सीख लेते हो, अब क्या करना होता है, फंडामेंटल को जब तुम यूज़ करोगे ना, तो तुमको थोड़ा उसमें एक अलग इंटरेस्ट आता है। तो अब जो चीज़ें जो आगे आएगी ना, इसी तरह से इंटरेस्टेड चीज़ें, चूंकि तुमको करना क्या होगा ना, वट एवर यू हैव लर्न इन बेसिक थर्मोडायनेमिक यू हैव टू अप्लाई इन दिस वन, इसलिए एप्लीकेशन पार्ट जो होता है इंटरेस्टिंग उसके लिए होता है जिसका बेसिक पे थोड़ा सा कमांड होता है, इसलिए हम जो है इसमें चलो। ये हो गया तुम्हारा हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम लोग ऑलरेडी हम लोग जो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम लोग हीट जो हम लोग हीट निकाले थे वो क्या था, हम लोग क्या निकाले थे कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट एडिशन क्या था, फर्स्ट लॉ पढ़े थे डेल एच था, ये क्या होता है एम सी पी डेल टी होता है, याद है? कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट जो एडिशन हीट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है और वो क्या होता है एम सी पी डेल्टा होता है। सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो अब इसमें हम लोग अब इंट्रोपी चेंज देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट के यहाँ पे इंट्रोपी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो चूंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, टी डी एस इज कल टू डी एच माइनस बी डी पी। इज इट क्लियर? अब इस इक्वेशन को ले रहे हैं, चूंकि इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, डी पी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कि टी डी एस इज कल टू डी एच, वट इज डी एच, डी एच इज कल टू सी पी डी टी, डी एच इज कल टू सी पी डी टी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर डी एस क्या हो जाएगा, डी एस क्या हो जाएगा सी पी डी टी बाई टी हो जाएगा, है कि नहीं, समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब टेम्परेचर यहाँ पे, चलो इस प्रोसेस हम लोग वन टू टू की बात कर रहे हैं, यदि हम लोग किसी प्रोसेस यहाँ पे, लेट अस सपोज ये प्रोसेस हम वन टू टू की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तुम किसी एक प्रोसेस को ले सकते हो। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर टी वन है, तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या था, एस वन है। तो कहने में जब टेम्परेचर यहाँ पर टी वन था तो एंट्रोपी क्या है, एस वन है। फिर जब टेम्परेचर यहाँ पर टी टू हो गया एट पॉइंट टू, जब टेम्परेचर जो पॉइंट टू पर टी टू हो गया तो यहाँ पर एंट्रोपी क्या है, यहाँ पे एस टू हो गया। तो जब टेम्परेचर टी टू है तो एंट्रोपी क्या हो गया, एस टू हो गया। तो अब लोग क्या करें, हम लोग इसका मतलब डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस क्या होगा, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन,
तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी चेंज इन कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यदि हम लोग इसको ऐसे लिखें, टोटल एंट्रोपी डेल एस क्या हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए, एम सी पी एल एन, दिस इज टी टू मतलब टी फाइनल बाई टी इनिशियल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, हो गया किस प्रोसेस के लिए हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? सिंपल है, सिंपल तुम्हारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग यूज किए हैं। और इस इक्वेशन यूज क्यों किए, चूंकि यहाँ प्रेशर कॉन्स्टेंट था, प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा, डीपी के वैल्यू क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास सिंपल ये अप्रोच आ गया, और इस अप्रोच के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है? यस सर, समझ पा रहे हो ना? ओके, अब चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब आते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए देखते हैं, है कि नहीं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के देखते हैं। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो तुम पहले तुम सीख चुके उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पहले चीजों को पहले समझ लो, इसके बाद अप्लाई करो, है कि नहीं। कुछ चीज को पहले बेसिक को पहले सीखना होता है। तुम सिर्फ, तुम्हारे पास बेसिक क्लियर है तो समझ लो कि आगे कोई भी कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ क्योंकि उसी को हमें अप्लाई करने जा रहे हैं। अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे यदि हम पीवी प्लॉट की बात करें, पीवी प्लॉट की बात करें तो लेट अस सपोज यहाँ पे हम दो प्रोसेस ले रहे हैं, जिसमें हम लोग एक दिखाना चाह रहे हैं हीट ऐड कर रहे हैं और दूसरे में हम लोग हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेट अस प्रोसेस 0.2 है और ये प्रोसेस 3-4 है। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि प्रोसेस 1-2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीबी क्या होता है, एमआरटी होता है। यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो कहने मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल। ये मेरा गाइडिंग क्वेश्चन हो गया। अब यदि हम हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इसके साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस 1-2 में क्या हो रहा है, प्रोसेस 1-2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट ऐड कर रहे हैं। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हीट यहाँ से हम लोग रिमूव कर रहे हैं। सिंपल, ये हम लोग देख चुके हैं, हम लोग वर्क एंड हीट, जब हम वर्क में पढ़ रहे थे, वर्क एंड हीट पढ़ रहे थे, उस समय देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग सिंपल, आते हैं हम लोग इसमें, हम लोग आते हैं एंट्रोपी में आते हैं। एंट्रोपी का जो है ना, इससे यहाँ पे टी एस प्लॉट यहाँ कर लेते हैं, अलग अलग प्रोसेस को दिखा लेते हैं। ठीक है, अब टी एस प्लॉट में अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान हम लोग ये रखेंगे कि अब इसका जो जैसे कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जिस तरह का नेचर था ना, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में भी नेचर ऐसा ही होता है कर्व का। लेकिन अब दोनों में हम लोग देखेंगे कि स्लोप का डिफरेंस कैसे, हम लोग देख रहे थे पीवी प्लॉट में, पीवी प्लॉट में क्या देख रहे थे, पीवी प्लॉट में हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोग रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप में हम लोग देखे थे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तुमको याद होगा कि जब हम लोग वर्क एंड हीट पढ़ रहे थे, फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, तो हम लोग जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक इस प्रोसेस में हम लोग दोनों के कर्व के बीच, स्लोप के बीच एक रिलेशनशिप निकाले थे। उस रिलेशनशिप के आधार पे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि एडियाबेटिक कर्व का स्लोप जो होता है वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से गामा टाइम ज्यादा होता है। ये हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वर्क एंड हीट जब फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे। उसी तरीके से हम लोग इस टी एस प्लॉट में ये आइसोबारिक और आइसोकोरिक दोनों का कर्व का नेचर सेम है, लेकिन अब दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है, ये हम आगे अभी देखेंगे, है कि नहीं। दोनों में ये देखेंगे भाई किसका, जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो उस वो क्या होगा, ज्यादा स्टीपर होगा, जिसका स्लोप कम होगा तो वो क्या होगा, लेस स्टीपर होगा। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, तो फॉर द टाइमिंग हम इतना हम समझ पा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में और आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस का जो कर्व का नेचर होगा वो क्या होगा, दोनों सिमिलर कर्व का नेचर सेम होता है। तो चलो, एक में हम लोग डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं और दूसरे में डायरेक्शन क्या लेते हैं, हम लोग डाउनवर्ड लेते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस हम लोग 1-2 ले रहे थे, यहाँ 1-2 ले रहे हैं, हीट ऐड को दिखा रहे हैं, और ये प्रोसेस पहले इसको 1-2 अभी ये नहीं कहेंगे 1-2 इसमें किसमें हीट ऐड है, किसमें, हमको ये देखना है किसमें हीट ऐड हो रहा है, किसमें हीट रिजेक्ट हो रहा है, हमको ये चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे यदि हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हीट ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हीट ऐड करने पर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हीट ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो तुम देख सकते हो कि इसमें किस हम इसमें जो यदि वन टू टू में देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रहा है इस प्रोसेस में। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं ये प्रोसेस क्या हो गया, वन टू टू हो गया। कहने मतलब ये वन टू टू प्रोसेस में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? सिंपल सिंपल है, एकदम क्वाइट सिंपल है, कुछ कोई भी ऐसा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एकदम सिंपल। तुम्हारा जो जो तुम्हारा बेसिक है उसी बेसिक को हम यूज कर रहे हैं सिंपली। इसमें देखो तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट जो है यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो कहने मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 to 4 हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, पीवी प्लॉट में दिखा रहे हैं, पीवी प्लॉट में दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है फाइनली हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास जो पीवी प्लॉट में, तो हमारे पास इस तरह का हो गया है ना, और टीएस प्लॉट पे जो है टीएस प्लॉट में जो है इस तरह का ये स्लोप है, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो क्या हो जाएगा टीएस प्लॉट में, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हीट ऐड हो रहा है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, उसी तरह इसमें क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है और इसमें हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो अब इसमें इतना चीज हमारे पास आ गया तो हम निकाल लेते हैं इसमें कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है। तो एंट्रोपी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान रखना है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है कि नहीं। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो हमारे पास दो ही क्वेश्चन है, टी डी एस इजकल टू, अब क्या करेंगे हम डी यू प्लस पी डी वी ले लेते हैं, है कि नहीं। हमारे पास दो ही क्वेश्चन है, याद है ना, हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, टी डी एस इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, टी डी एस इजकल टू डी एच माइनस वी डी पी है कि नहीं। तो वहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को पिक किए थे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म यहाँ जीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे, है कि नहीं। इस इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, पी डी वी यहाँ पर लिख लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डी वी जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी डी एस क्या हो जाएगा, ये डी यू क्या होता है, सी वी डी टी होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एस क्या हो जाएगा सी वी डी टी बाई टी। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जब यहाँ पर टेम्परेचर टी वन है, अब यहाँ पर देखो इस किसी एक प्रोसेस निकालो, जब यहाँ पर टेम्परेचर टी वन है तो एंट्रोपी क्या है, एस वन है, एंट्रोपी एस वन है। जब टेम्परेचर टी टू हो गया, जब यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर टी टू हो गया तो एंट्रोपी क्या हो गया, यहाँ पर एस टू हो गया, एंट्रोपी यहाँ पर एस टू हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डेल एस क्या हो जाएगा, सी भी एल एन टी टू बाई टी वन, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमारे पास जो इसमें आ गया कि क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज इन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए आ गया, टोटल एंट्रोपी चेंज निकालें तो क्या होगा, एम सी भी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो? यस सर। और कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या था, इंस्टीट्यूट ऑफ सी भी, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर में सीपी है, इसमें सिंपल है, ये तुम्हारा तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में है तो यहाँ पे सीपी हो गया, कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम में है तो यहाँ पे हम लोग सीवी ले रहे हैं, और बाकी जब ये सब चीज़ जो है टी फाइनल बाई टी इनिशियल क्या है, दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम लोग एंट्रोपी चेंज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, अब अभी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये अभी हम ये कह रहे हैं कि भाई दोनों का स्लोप तो सेम है, दोनों का नेचर तो सेम है, दोनों का नेचर सेम है तो हम ये थोड़ा देख लें कि भाई इसमें कौन ज़्यादा उसमें स्टीपर है। यदि अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं, हाँ कहीं एक हाँ एक
चलो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, स्लोप के बारे में देखते हैं। अब भाई जब हम लोग कह रहे हैं कि दोनों का नेचर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का नेचर हम कह रहे हैं सेम है, तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि इसमें जो है स्लोप में क्या डिफरेंस है। मान के चलते हैं कि हमारे पास डीएस प्लॉट पे हम ये कह रहे हैं कि ये सुन पा रहे हो? यस सर। सिंक्रोनाइजेशन को सिचुएशन, तुम्हारा वीडियो ऑन ऑफ है ना? वीडियो तो ऑफ है, डेटा का थोड़ा सा है ना झमेला होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सपोज दैट कि यहाँ पे दो प्रोसेस है, टीएस पे हम लोग यहाँ पे दो प्रोसेस को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी प्रोसेस, ये वन है और ये प्रोसेस टू है, ठीक है। अब हमको ये इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमको ये बताना है कि इस दोनों में कौन सा कांस्टेंट प्रेशर है और कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि टीएस प्लॉट पे आइसोथर्मल और आइसेंट्रॉपिक के लिए हम यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है कि नहीं? एक्चुअली क्या है ना, जब जब तुम टीएस प्लॉट पे तुम आते हो, टीएस प्लॉट पे आते हो, तो आइसोथर्मल के लिए तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, तुम्हारा आइसोथर्मल हो जाएगा, वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, तुम्हारा आइसेंट्रॉपिक हो जाएगा। सिमिलरली तुम्हारा क्या था, तुम्हारा पीवी प्लॉट पे तुम देख रहे थे क्या था, पीवी प्लॉट पे क्या था, आइसोबारिक के लिए दिक्कत नहीं था, आइसोबारिक में क्या था, हॉरिजॉन्टल था और वर्टिकल क्या था, आइसोकोरिक था। चूँकि यहाँ पर क्या, चूँकि यहाँ पर क्या आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, और आइसोकोरिक में तो क्या होता है, तुम्हारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। तो कहने मतलब इसमें तो हम लोग जब 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 इसे पीवी प्लॉट में थे तो आइसोबारिक और आइसोकोरिक में कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी, लेकिन आइसोथर्मल के लिए हम लोग जब हम लोग पीवी प्लॉट में थे तो आइसोथर्मल के लिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग स्लोप का हम लोग निकाले थे, जिसमें कि हम लोग ये कहे थे कि ये क्या है, ये एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल है। क्यों? क्योंकि इसका कर्व जो होता है एडियाबेटिक का आइसोथर्मल से गामा टर्म ज़्यादा अच्छा ज़्यादा होता है। उसी तरीके से चूँकि यहाँ पे जब टीएस प्लॉट में है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, आइसोथर्मल होगा, वर्टिकल आइसेंट्रोपिक होगा। लेकिन जस्ट जिस तरह से हम लोग टीएस प्लॉट में, जिस तरह से पीवी प्लॉट में हम लोग आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का कर्व आ रहा था, उसी तरह से टीएस प्लॉट पे आइसोबारिक और आइसोकोरिक का यहाँ पे कर्व है, ठीक है। सुन पा रहे हो? यस सर। यस, अब इसमें करना क्या है, अब इसमें तुम जस्ट तुम इसमें हम लोग अब स्लोप का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो स्लोप में कैसे देखेंगे, स्लोप को हम लोग कैसे मतलब वो करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो पहले हम लोग लेते हैं, सबसे पहला हम लोग करते हैं एनालिसिस करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग पहले करते हैं, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, डी बी जीरो हो जाएगा, तो टी डी एस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो और डी यू क्या होता है, डी यू होता है सी बी डी टी होता है, डी यू क्या होता है, सी बी डी टी होता है। तो एक बात बताओ, टी एस प्लॉट पे इसका स्लोप का वैल्यू क्या होगा, इस टी एस प्लॉट पे यदि स्लोप यदि हम देखना चाहें तो इसका स्लोप को हम लोग मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे, डी एस बाई डी टी, डी टी बाई डी एस, यस डी टी बाई डी एस, वेरी गुड। यदि इतनी बात तुमको समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो जो जो कि बहुत बेसिक है। तो यहाँ से हम लोग
डी टी बाई डी एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एस, डी टी बाई डी एस किस प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा टी बाई सी वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी बाई सी वी होती है। ये हमको इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखे, ये हम लोग पहला इक्वेशन लेके चलते, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड प्रोसेस जो है हम लोग ले रहे हैं किसका, हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, हम से कौन सा क्वेश्चन यूज़ करेंगे, टी डी एस डी एच माइनस बी डी पी यूज़ करेंगे, क्यों, चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट है, तो वन सेकेंड क्या होगा डी पी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारे पास डी टी डी एस क्या हो जाएगा डी ए, तो डी एच क्या होता है सी पी डी टी होता है, तो फिर से यहाँ पर स्लोप क्या होगा डी टी बाई डी एस यदि निकालेंगे, किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा टी बाई सी पी हो जाएगा, टी बाई सी पी हो जाएगा। लेट अस इक्वेशन नंबर टू। अब यहाँ पर तुम देख खुद बता सकते हो कि इफ टेम्परेचर यदि कांस्टेंट होगा तो तुम ये देख सकते हो फॉर द सेम टेम्परेचर में यहाँ पे सी पी और सी वी में क्या होता है, सी पी क्या होता है सी वी से ज़्यादा होता है, होता है कि नहीं, तो जब सी पी सी वी से ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि डी टी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इससे हम ये कह सकते हैं ना कि टी बाई सी वी, ये लिख सकते हैं ना लोग कि टी बाई सी वी इज ग्रेटर देन टी बाई सी पी, यस लिख सकते हैं ना, यस yes. तो ये भी हाँ सी पी सी वी से ज्यादा होता है, तो क्या होगा डिनोमिनेटर में जितना कम होगा उतना ये क्वांटिटी उतना ज्यादा होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं इसके आधार पर हम लोग ये यहाँ लिख सकते हैं कि डी टी बाई डी एस ये एक्चुअली इससे भी किसका है, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का स्लोप है, दिस इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसके आधार पर, इस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो अब तुम देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा प्रोसेस, अब तुम ही लोग बताओ कि कौन सा प्रोसेस इसमें आइसोकोरिक है और कौन सा प्रोसेस इसमें, प्रोसेस वन क्या है बताओ, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है, वेरी गुड, यस, इस प्रोसेस में क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो टी एस प्लॉट पे जो जो आइसोकोरिक कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा आइसोबारिक से ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के स्लोप में हम लोग देख पा रहे हैं कि आइसोकोरिक कर्व का स्लोप का वैल्यू टी वाई सी पी होता है, आइसोबारिक का स्लोप टी वाई सी पी होता है, और हमको पता है कि सी पी जो है होता है सी वी से वैल्यू उसका ज़्यादा होता है। तो ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज मोर देन दैट ऑफ स्लोप ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस ऑन टी एस प्लॉट। क्लियर है, यस सर, यस। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पूरे डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये तुम्हारे यहाँ पर सब दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट, ये सारा डिस्कशन यहाँ पे डी टी बाई डी एस क्या हो गया, ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए हो गया, डी टी बाई डी एस क्या हो गया कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए हो गया, और हमको पता है कि यहाँ सी पी के वैल्यू सी पी से ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो गया और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट प्रेशर हो गया। क्लियर है, यस सर, यस। अब एक जनरल इक्वेशन हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें जो है, हमको एक जनरलाइज इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये अब एक जनरल इक्वेशन को हम लोग जो सिंपल इक्वेशन है उसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, ये एक जनरल इक्वेशन यदि हमको करना हो टी डी एस इक्वेशन में तो हम लोग हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, चलो। तो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, टी डी एस इक्वेशन क्या है, हमारे दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है कि टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ध्यान रख रहे हैं जहां पर कैपिटल यू लिख रहे हैं हम लोग यहां पर कैपिटल बी लिख रहे हैं, है कि नहीं, इसको ध्यान रखना है कि कैपिटल यू क्या टोटल इंटरनल एनर्जी है, स्मॉल यू क्या होगा स्पेसिफिक होता है, इसीलिए ध्यान रखना है टी डी एस इसके लोग डी यू प्लस पी डी भी लिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग मास कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन में देखो, अब यहाँ पे
हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन, इस इक्वेशन के आधार पे हम लोग इस इक्वेशन लिख सकते हैं। टी डी एस क्या हो जाएगा, डी यू क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू सी बी डी टी, दिस इज पी डी वी। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, हम लोग डी एस कर रहे हैं, डी एस क्या हो जाएगा, सी बी डी टी बाई टी प्लस पी बाई टी डी वी। यहाँ मास भी लगा दो, चूंकि यहाँ पे हम लोग मास भी ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी यू क्या हो जाएगा, एम सी डी टी हो जाएगा, और दिस इज दिस वन, तो डी एस क्या होगा, एम सी डी टी बाई टी, दिस इज पी बाई टी। तो अब यहाँ पे अब पी बाई टी क्या होगा, अब चूंकि पी बी क्या होता है, एम आर टी होता है, तो यहाँ से पी बाई टी क्या हो जाएगा, एम आर वाई बी हो जाएगा, है कि नहीं, इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, एम सी बी डी टी बाई टी प्लस एम आर डी बी बाई भी, दिस इज कॉल्ड डी एस। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सिंपल हम लोग यहाँ पे इंट्रीग्रेट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे एंट्रोपी एस वन था, अब किसी भी कोई भी प्रोसेस में, यदि कोई भी प्रोसेस है टी एस प्लॉट पे, यदि कोई भी प्रोसेस वन टू टू है, हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब एंट्रोपी वन था, जब पॉइंट वन पे एंट्रोपी एस वन था, तो टेम्परेचर क्या था, लेट अस सपोज टेम्परेचर टी वन है और वी वन, वॉल्यूम यहाँ पे वी टू, ए दिस इज वॉल्यूम यहाँ पे क्या, ये क्या है यहाँ पे वी वन है। जब एंट्रोपी एस टू था, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लेट अस सपोज दिस इज टी टू और वॉल्यूम इज वी टू, तो क्या हो जाएगा, डेल एस क्या हो जाएगा, एम सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एम सी वी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, यही तुम्हारा फॉर्मूला होगा, क्लियर है, समझ पा रहे हो? यस सर, यस। तो एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, हमारा जो माइक्रोफोन को ऑफ कर लो, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, यहाँ पे यहाँ इको आ रहा है, हाँ। तो दिस इज कॉल्ड द एंट्रोपी चेंज, जो हमारे पास पहला जो टीडीएस इक्वेशन है, उस इक्वेशन के आधार पे हम लोग ये कह पा रहे हैं कि डेल एस इक्वल टू एम सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एम सी बी एल एन वी टू बाई टी वन। यदि हम लोग स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एक मिनट, एक एम आर है यहाँ पे, है ना, एम आर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एल एन यूट्यूबर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक एंट्रोपी निकाले। अब सिमिलरली यदि हम लोग बात करें सेकेंड इक्वेशन, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन टी डी एस इक्वेशन, वो क्या है, सेकेंड टी डी एस इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी एच माइनस बी डी पी है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, डी एस क्या होगा, डी एच क्या होगा, सी पी डी टी, दिस इज वी डी पी बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बाई टी पी, ये सी पी डी टी, और वी बाई टी को क्या लिखेंगे, आर बाई पी लिखते हैं हम लोग, है ना, तो आर डी पी बाई पी, पी बी छोड़ एम आर टी होगा उससे यहाँ लोग। अब फिर से क्या करें हम लोग यहाँ पे, तो ये ओके, ये टी डी एस होगा, टी डी एस को दिस वन। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, सी पी डी टी बाई टी माइनस आर, एक मिनट, बस डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, नेटवर्क थोड़ा सा वीक है ना, सिग्नल वीक है, इसलिए थोड़ा सा ये इसमें सिंक्रोनाइजेशन भी होता रहता है, ये सिंक्रोनाइज होगा तभी तभी डेटा वहाँ तक पहुँच पाएगा। चलो हम लोग यहाँ देखते हैं,
देख रहे हो, देख पा रहे हो यस टीडीएस क्या है? डीएच, डीएच, डीएच माइनस बीडीपी है, तो डीएच क्या हो गया? डीएच बाई टी हो गया, तो डीएच यहाँ पे सीपीडीटी होता है, पीबी आरटी होता है, तो बी बाई टीपी क्या होगा? आर बाई पी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जो है डीएस क्या होगा? सीपीडीटी बाई टी माइनस आर डीपी बाई पी हो जाएगा। एंट्रोपी यहाँ पे S1 से S2 किए तो टेम्परेचर यहाँ से T1 यहाँ से T2 इंटीग्रेट होगा, और प्रेशर क्या कहाँ से P1 से P2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या होगा S2 माइनस S1 क्या होगा? सी पी एल एन T2 बाई T1 माइनस आर एल एन P2 बाई T1। तो तुम्हारे पास दो जनरल इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या हो गया? S2 माइनस S1 दिस डेल इज इक्वल टू सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल एन V2 बाई T1। लेकिन जब टी डी एस इज इक्वल टू माइनस डी एच माइनस बी टी पी इसको जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो डेल क्या होगा? सी पी एल एन T2 बाई T1 माइनस आर एल एन P2 बाई P1। इज इट क्लियर? देखो ध्यान ये रखना है, दोनों इक्वेशन में बहुत सिमिलैरिटी है। जब यहाँ पे हम लोग सी वी ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे एल एन में क्या हो रहा है? यहाँ पे V2 बाई V1 हो रहा है। जब यहाँ पे सी वी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो जा रहा है? यहाँ पे एल एन V2 बाई V1 आ रहा है, और सी वी में क्या हो रहा है? यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे सी पी आ रहा है तो साइन क्या हो जा रहा है? यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है, और यहाँ पे एल एन में क्या हो गया? यहाँ पर प्रेशर आ गया। जब सी पी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे एल एन में क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेशर में P2 बाई P1 हो जा रहा है, और साइन क्या हो जा रहा है? यहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है। सिंपल इक्वेशन है। T2 बाई T1 क्या है? दोनों में कॉन्स्टेंट है। T2 बाई T1 क्या है? दिस इज कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन में यदि हम लोग देखें, इस इक्वेशन को याद रखना आसान है, तो डेल एस क्या होगा? सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल V2 बाई V1। और इस केस में सेकेंड इक्वेशन से हमको जो यहाँ जो चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी पी एल एन T2 बाई T1 माइनस आर एल एन V2। इस तरीके से दो, ये हमारे जनरल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग जस्ट एक एक प्रॉब्लम है, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सो दैट फॉर एन आइडियल गैस एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज दिस इज एंट्रोपी चेंज दिस इज इक्वल टू सी पी एल एन V2 बाई V1 प्लस सी बी एल एन P2 बाई V1। समझ पा रहे हो ना? ये जो पहला इक्वेशन है सुन पा रहे हो? यस सर। पहला जो इक्वेशन है ये किसके फंक्शन में है? ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन में है, ध्यान रखना। पहला जो इक्वेशन आया वो तुम्हारा किसके फंक्शन में है? डेल एस क्या हो गया? सी बी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल एन V2 बाई V1। तो ये किसके फंक्शन में है? ये एंट्रोपी चेंज किसके फंक्शन में? टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन में। सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग देखेंगे तो ये किसके फंक्शन में है? एंट्रोपी चेंज किसके फंक्शन में है बताओ? किसके फंक्शन में है? टेम्परेचर टेम्परेचर और प्रेशर के फंक्शन में है। इज इट क्लियर? यस। लेकिन ये जो इक्वेशन पूछा जा रहा है ये क्या है? डेल एस इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में तुम्हारा ये इक्वेशन होता है। इसको तुम याद भी रख सकते हो। इक्वेशन जो है ना, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल में पुट करके बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल का तुम हवा निकाल सकते हो इस तीन फॉर्मूला से। क्योंकि एंट्रोपी चेंज का ये समझ लो कि बहुत यूनिवर्सल फॉर्मूला है, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल में जब तुम कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल एंट्रोपी पाता है ना, तो सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डेल एस क्या हो गया? सी पी एल एन, जब सी पी है तो क्या हो गया? यहाँ पे एल एन में, यहाँ पे वॉल्यूम है, और साइन क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हारा प्लस है, और जब सी बी ले ले रहे हैं तो यहाँ पे एल एन में क्या है? प्रेशर है। जस्ट अपोजिट है, जब प्रेशर है तो लॉग में क्या है? वॉल्यूम है। और जब यहाँ पे सी पी ले रहे हैं, यहाँ पे जब यहाँ प्रेशर है, जब 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 सी बी लिए तो या लॉग में क्या है? प्रेशर। जस्ट अपोजिट है कि नहीं? तो इसको इस इक्वेशन को भी याद रखना बहुत आसान है। डेल एस क्या होगा? सी पी एल एन वी टू बाई वी वन, मतलब वी टू बाई वी वन मतलब क्या हो गया? वी फाइनल बाई वी इनिशियल प्लस सी बी एल एन पी टू बाई पी एन मतलब पी फाइनल बाई पी इनिशियल। इस तरीके से इस इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग, बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? क्लियर है? यस सर। तो अभी जो हम लोग का डिस्कशन yes, था वो हम लोग हाँ अभी जो हम लोग का डिस्कशन हम लोग का था वो एंट्रोपी चेंज फॉर आयरन आइडियल गैस। ये क्या था? किसी आइडियल गैस का, कोई भी आइडियल गैस है, जैसे यहाँ पर हमारे हमारे थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस वर्किंग सब्सटेंस क्या है? वर्किंग सब्सटेंस क्या है हमारा? एयर है। तो इस एयर में अलग अलग प्रोसेस को हम लोग देख पा रहे हैं। तो हमारा जो अभी तक जो हमारा डिस्कशन था, एंट्रोपी चेंज किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए था। लेकिन अब एक हम लोग एक बात करें, एक मिनट हाँ,
सुन पा रहे हो? यस सर। अब जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अब इंट्रोपी किसी, अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि सोर्स और सिंक, हम लोग किसी सोर्स के कोई भी सोर्स, अब तो हम लोग जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग देखे थे सपोज दैट कि ये तुम्हारा सोर्स का टेम्परेचर क्या है, टी वन है, है? ये टेम्परेचर इसका टी टू है। अब ये देखिए इस सोर्स से हम लोग देख रहे हैं क्यू वन क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग यहाँ से इस हीट इंजन है, इस इंजन को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इंजन की इंजन क्या है, ये एक साइक्लिक इंजन है और इंजन वर्किंग इन साइकिल, और यहाँ से क्या हो रहा है ये क्यू वन जो हीट जो है जो सोर्स क्या हो रहा है, सोर्स जो इस इंजन को क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा है, और इंजन से वर्क आउटपुट जो है डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट यहाँ से डिलीवर हुआ, और ये क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट क्या किया ये, इसको हम लोग सिंक बोलते हैं, इस सिंक को यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई जब एक डिस्कशन हम लोग ये देख रहे हैं, ये तो सोर्स है, हम लोग कह रहे हैं कि ये सोर्स है और ये सिंक है, तो कहने का मतलब ये है कि सोर्स में, सोर्स यदि क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट यदि चूंकि यहाँ से ये एक्चुअली सोर्स से क्या हो रहा है, ये दिस क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, सोर्स से रिजेक्ट किया जा रहा है। दिस क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम सोर्स, सोर्स ये हीट को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में यदि इनिशियल इंट्रॉपी इसका एसआई था, मान चलो कि इनिशियल इंट्रॉपी जिस समय सोर्स ये तुम्हारा टी वन टेम्परेचर पे है, और चूंकि सोर्स का क्या है, हम लोग ये कह रहे हैं कि सोर्स बेसिकली सोर्स क्या है, सोर्स को हम लोग बोलते हैं कि ये इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, इसमें किसी भी तरह का इसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट को यदि यहाँ से हम लोग रिमूव भी कर दें तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है कि नहीं, हम लोग सोर्स को पहले डिफाइन किए थे, दिस इज द रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ हीट इन विच सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड और रिमूव, इट डज नॉट सफर एनी टेम्परेचर चेंज, उसका टेम्परेचर चेंज उसका नहीं होता। कैसे हम लोग बोलते हैं कि यदि तालाब में से कुछ बकेट पानी उसमें डाल दें या निकाल दें तो तालाब के लेवल को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसमें क्या बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर है। तो उसी तरह सोर्स क्या है ना कि उसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है, उसमें कुछ उसमें हीट उसमें डाले या निकाले उसे क्या होता है, उसे कुछ उसको फर्क नहीं पड़ना है। तो लेकिन यदि हम लोग देखें कि इस आखिर चूंकि यदि हम लोग क्यून अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ से यदि हम लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका इंट्रॉपी चेंज क्या होगा, हम ये देखना चाह रहे हैं इसका इंट्रॉपी चेंज क्या होगा। लेट अस सपोज इनिशियल इंट्रॉपी इसका एस वन है, और जब भी क्यून अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिया तो इंट्रॉपी क्या हो गया इसका, एस टू हो गया। तो इस कंडीशन में डेल एस के डीएस क्या होता है, डेल एस सोर्स इंट्रॉपी चेंज क्या होगा, सोर्स का क्या हो जाएगा, चूंकि डेल एस क्या होता है हमारे पास, डीएस क्या होता है, डी क्यू बाई टी होता है, याद है ना, डीएस क्या होता है, डी क्यू बाई टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि सोर्स क्या कर रहा है, ये माइनस ये जो क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, और माइनस क्यों, चूंकि ये क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट सोर्स रिजेक्ट कर रहा है, और किस टेम्परेचर पे, ये टी वन टेम्परेचर पे ये सोर्स रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब डेल एस इंट्रॉपी चेंज ऑफ द सोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वन बाई टी वन। समझ में आ रहा है, माइनस साइन का मतलब ये हो गया कि सोर्स इज रिजेक्टिंग क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट, दिस सोर्स इज रिजेक्टिंग हीट, दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन इज टेकन। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट, दिस इज अ क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट, एट विच टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी वन। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रॉपी चेंज जो है सोर्स का क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वन बाई टी वन, इस तरह से इंट्रॉपी चेंज हो गया। इसी तरह सिंक की बात कर रहे हैं तो सिंक में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, सिंक में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, सिंस सिंक इज रिसीविंग हीट, सिंस में क्या हो रहा है ना, सिंक में क्या हो रहा है, क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, सिंक क्या कर रहा है, क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, तो इसमें साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो रहा है किस टेम्परेचर पे, टी टू टेम्परेचर पे। तो ये क्या हो गया डेल एस, ये क्या होगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिंक, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिंक क्या हो जाएगा, क्यू टू बाई टी टू। तो ये चीज यहाँ पर तुमको दिखाया गया है, डेल एस सोर्स क्या होगा, माइनस क्यू वन बाई टी वन, और सिंक क्या हो जाएगा, क्यू टू बाई टी टू। इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक रिजर्वायर का हम लोग देख पा रहे हैं इंट्रॉपी चेंज ऑफ रिजर्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रॉपी चेंज ऑफ रिजर्वायर। इससे पहले हम लोग डिस्कशन क्या था, इंट्रॉपी चेंज फॉर आइडल गैस, अब ये क्या हो गया, इंट्रॉपी चेंज फॉर रिजर्वायर। समझ पा रहे हो? यस यस। अब नेक्स्ट है कि इंट्रॉपी चेंज फॉर फाइनाइट बॉडी, अब यदि किसी फाइनाइट बॉडी का इंट्रॉपी चेंज हम लोग निकालना चाहें, जैसे कि तुम खुद अपने आप एक बॉडी ट्रीट कर लो,
जैसे कि तुम यहाँ पे सपोज अगर तुम्हारा जस्ट तुम खुद एक सपोज अगर तुम्हारा मास यहाँ पे तुम खुद यहाँ पे खड़े हो ठीक है, और लेट अस सपोज एक विंटर का विंटर सीजन है या समर ये तुम्हारा मान चलो हाँ ठीक है, विंटर क्लाइमेट है, विंटर क्लाइमेट है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा मास यहाँ एम है योर मास, और तुम्हारे बॉडी का स्पेसिफिक हीट सी है, स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है तुम्हारा सी है, यहाँ भी लिखा गया है बाय मिस्टेक से, तो एम तुम्हारा मास तुम्हारे बॉडी का मास है और स्पेसिफिक हीट तुम्हारे बॉडी का सी है, तुम्हारे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, और चूंकि क्या है टेम्परेचर क्या है तुम्हारा मीन्स क्लाइमेट क्या है विंटर क्लाइमेट है, तो विंटर क्लाइमेट में क्या होगा आउटर टेम्परेचर क्या होगा कम होता है, और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर टी आई है तो ऑब्वियस क्या होगा हीट ट्रांसफर क्या होगा, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे जो एक टी आई है, और विंटर में क्या होता है टेम्परेचर यहाँ पे मान के चलो तुम्हारी तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे 96 डिग्री तुम्हारा फ़ारेनहाइट है, या हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे सपोज दैट 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारे बॉडी का है, और आउटर टेम्परेचर यहाँ पे मान के चलो कि ये तुम्हारा बॉडी यहाँ का टेम्परेचर सपोज है तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, चूंकि क्या हम लोग मान के चल रहे हैं विंटर क्लाइमेट को हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं, हीट ट्रांसफर कहाँ से क्या होगा तुम्हारे बॉडी से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा हायर हायर टू लोअर, अब जैसे कि क्या हो गया तुम्हारे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर तुम्हारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, आउटर सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है वहाँ पर 10 डिग्री है, तो क्या होगा हीट ट्रांसफर हुआ, तो हीट ट्रांसफर के कारण अब तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज कर गया, तो उसी में टेम्परेचर डिक्रीज होकर तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर लेट अस सपोज ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठंड के दिनों में आखिर ठंड क्यों लगती है आदमी को, किसी को ठंड लगने का मतलब क्या होता है कि भाई कोई आदमी है उसको ठंड लग गया, दैट मीन्स क्या यदि तुम ठंड के समय में तुम बॉडी पर तुम यदि प्रॉपर तुम खुद को इंसुलेट नहीं करोगे कि जैसे तुम उस तरह के हम लोग ठंड के दिनों में जो है मीन्स उलेन कपड़ा क्यों पहनते हैं या कोई जैकेट वगैरह क्यों पहनते हैं, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो तुम्हारा सिस्टम कंट्रोल करता है, एक 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेंटेन करता है वो, और वो आउटर टेम्परेचर क्या होता है सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है, तो उस कंडीशन में तुम यदि उसको इंसुलेट नहीं करोगे, तुम यदि उसमें क्लोथ या ऐसा तुम विंटर तुम्हें इस तरह का यदि उलन क्लोथ हुआ ऐसा कुछ क्लोथ नहीं पहनोगे तो क्या होगा वो तुम्हारे बॉडी से हीट ट्रांसफर स्टार्ट कहाँ हो जाएगा सराउंडिंग की तरफ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, जैसे हीट ट्रांसफर होगा तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा, तो उसी में आदमी को ठंड लगती है, ठंड लगने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर गया मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी में तुम क्या करते हो तुम कंबल या रजाई या ऐसा कुछ कपड़े पहन लेते हो, तो वो हीट ट्रांसफर हीट को क्या करता है वो हीट ट्रांसफर को रोकता है जिससे क्या तुम्हारा बॉडी गर्म रहता है कि नहीं, बहुत ठंड लगती है तो क्या होता है बॉडी में कंपन होता है थरथराहट होता है, सिविरेशन क्यों होता है सिविरेशन इसीलिए होता है कि जब जब तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो बॉडी का मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है, वो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, तो वो जो वाइब्रेशन जो जो उसमें सिविरेशन होता है ना तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेट करता है, तो उस वाइब्रेशन से क्या होता है बॉडी में हीट एनर्जी कैसे हम लोग कोई चीज़ को रब करते हैं हाथ जैसे रब करते हैं तो यहाँ पर रब करने पर क्या होता है उसमें हीट एनर्जी वहाँ पर जनरेट होता है, तो जब तुम्हारे बॉडी में जब वाइब्रेशन होता है जब तुम कांपते हो तो जब 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 तुम्हारे बॉडी में सिवरेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है बॉडी से उसमें हीट जनरेट होता है जो कि मॉलिक्यूल्स आपस में वहाँ पर कोलाइड करता है, उस कोलिजन में क्या होता है हीट जनरेट होता है, इससे क्या होता है तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। खैर चलो ये सब बात, तो तुम्हारे बॉडी का जो है ना हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब देखो तो उस कंडीशन में देख पा रहे हो स्लाइड देख पा रहे हो यस सर तो बड़ा करते हैं इसको तो अब जिसको हम लोग देख रहे हैं क्या होगा यहाँ पे तुम्हारे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर टी आई था अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो गया तो अब तुम्हारे बॉडी का लेटेस्ट फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा टी एफ हो गया, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि तुम्हारे बॉडी का एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, एंट्रोपी चेंज होगा जब तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा था जब तुम्हारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड था उस समय तुम्हारे बॉडी का कुछ एंट्रोपी होगा, अब क्या हो रहा है तुम्हारे बॉडी से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो अब हीट रिजेक्ट होने के बाद अब फाइनल टेम्परेचर टी एफ हो गया तो अब तुम्हारे बॉडी का एंट्रोपी चेंज क्या होगा ये हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो क्या हो गया डीएस क्या हो गया हम लोग हमेशा बोलते हैं कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना होगा तो चूंकि ये प्रोसेस क्या है ये प्रोसेस तुम्हारे बॉडी से हीट जो लॉस हो रही है क्या है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, तो चूंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है लेकिन ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक रिवर्सिबल प्रोसेस से उसको ऐड कर देते हैं, क्यों चूंकि एंट्रोपी क्या होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको एक रिवर्सिबल को इस प्रोसेस को रिवर्सिबल मानते हुए हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, चूंकि एंट्रोपी को पाथ का मतलब ये क्या पॉइंट फंक्शन है इसको रिवर्सिबल मानते हुए तो डीएस क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है डीएस क्या होता है डी क्यू बाई टी के बराबर होता है, तो ये हो गया अब डी क्यू कितना हो गया तुम्हारे बॉडी से हीट जो यहाँ से जो रिजेक्ट हुआ वो क्या हो गया एम सी डी टी होता है,
डी क्या होता है, एम सी डेल्टा ही होता है, तो इसमें क्या करना है इसको, इसमें डीएस क्या हो जाएगा, डी क्यू एम सी डी टी और बाई नीचे टेम्परेचर टी है तो टी हो गया। अब यहाँ सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब टेम्परेचर जब तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर टी इनिशियल था, एंट्रोपी तुम्हारा एस एस आई था, लेट अस सपोज। अब तुम्हारे बॉडी फाइनल टेम्परेचर टी एफ हो गया है, तो लेट अस सपोज तुम्हारा एंट्रोपी तुम्हारा एस एफ हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस क्या हो जाएगा, एम सी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। अब तुम्हारे बॉडी तुम्हारा बॉडी का अपना मास है, तुम्हारे बॉडी का स्पेसिफिक हीट है, फाइनल टेम्परेचर फाइनल इनिशियल टेम्परेचर को तुम पुट कर दोगे तो तुम्हारे बॉडी का एंट्रोपी चेंज कितना हुआ ये तुम निकाल सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर ए फाइनाइट बॉडी, एंट्रोपी चेंज फॉर ए फाइनाइट, किसी फाइनाइट बॉडी से भी हीट ट्रांजेक्ट हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे, एंट्रोपी क्या होगा यहाँ पे। अब देखो इसमें एक चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रहे हैं, करेक्शन क्या होगा, करेक्शन क्या होगा बताओ, इसमें करेक्शन क्या है तो बता सकता है, इसमें करेक्शन क्या होगा, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, यस, इसमें एक थोड़ा सा साइन पर थोड़ा ध्यान दो, एक साइन में यहाँ पे कुछ मिसिंग, साइन में मिसिंग है। देखो इस बॉडी क्या कर रहा है, हीट यहाँ रिजेक्ट कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ये सब जगह तुम माइनस कर दो, ये सब जगह तुम माइनस कर दो, कहने का मतलब ये जब तुम्हारे बॉडी हीट रिजेक्ट कर रहा है तो तुम्हारे बॉडी का एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हम लोग शुरू से अभी जस्ट हम लोग बोल रहे थे हीट ऐड करने पे क्या होता है, हीट ऐड करने पे क्या होता है, एंट्रोपी इंक्रीज करता है, और हीट रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। चूंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि एस फाइनल क्या होगा, एस फाइनल एंट्रोपी इज लेस देन इनिशियल एंट्रोपी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस सर, यस। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल ये क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको माइनस साइन को यदि हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा, एम सी एल एन टी इनिशियल बाई टी फाइनल। अब तुम्हारा ये क्या होगा, तुम्हारा ये पॉजिटिव आएगा, चूंकि इनिशियल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, ये क्वान्टिटी तो अब तुमको ये बताएगा एंट्रोपी चेंज। हालांकि देखो ये तो ये जो है हाँ, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको एंट्रोपी चेंज मिल जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस 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 फाइनल माइनस एन इनिशियल की क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, दिस इज एम सी एल एन टी इनिशियल बाई टी फाइनल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हम लोग फाइनल बॉडी का हम लोग देखते हैं, इज इट क्लियर, यस सर। हाँ तो अब जो है लोग ये था तुम्हारा एंट्रोपी का जितना भी जो बेसिक कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास, हाँ ठीक है, चलो हम लोग फिर जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग एक टाइमिंग जो है सेकेंड हाफ में आज तुम लोग सेकेंड हाफ में तुम मतलब 3 बजे से तुम्हारा कोई क्लासेस है? देखो अब जो सेकेंड हाफ में जो हम जो क्लास लेंगे तो है, पर बताएं, सुन लो पहले, सुन लो, सेकेंड हाफ में जो भी हम क्लास लेंगे तो ये तुम्हारा जो अभी तुम्हारा रेगुलर क्लास चल रहा है, एक मिनट जस्ट वेट करो, लिंक आ गया है क्या?